कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। 10 दिन पूर्व 16 जून को मेरठ के स्वामी पाड़ा में रिटायर इंजीनियर की बेटी अंजू की हत्या वे पत्नी को घायल करने वाले दो लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस कांड का मास्टरमाइंड तीसरा साथी उमर अभी पुलिस की पकड़ से दूर बताया गया है। आज गिरफ्तार किए गए दो बदमाशों में से एक समीर के पैर में पुलिस की गोली लगी है। क्या हुआ है, कैसे लगी गोली? गोली मार दी। किसने मारी? इन्होंने, पुलिस वाले। क्यों मारी? बस जी वहाँ से लाए तो उसमें सर ऑफिस में सब ने लेकर गए थे, हमारी तरफ गोली मार दी। लुटेरों के पास से लूट का कुछ माल भी बरामद हुआ है। आरोपी समर पुत्र लियाकत काशी गांव मेरठ और अयान पुत्र इमरान इंचौली मेरठ का रहने वाला है। दरअसल 16 जून को बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी से मात्र 50 कदम की दूरी पर शिव स्वरूप के घर में यह घटना हुई थी। जल निगम के इंजीनियर शिव स्वरूप का निधन हो चुका है और उनकी जगह अंजू को नौकरी मिली थी। घर पर पत्नी सविता अपने दो बेटियों अंजू व डॉली के साथ रहती थी। घटना के बाद शाम 5 बजे जब डॉली घर लौटी तो उसने अंजू को मृत जबकि माँ सविता को मरणासन्न हालत में पाया। पुलिस का कहना है कि पूर्व में 3 पुताई करने वाले भी शक के दायरे में आए थे, लेकिन CCTV फुटेज में यह वारदात लूट के इरादे से करना पाया गया। देखिए 16 जून को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें 4 टीमें लगाई गई थी जो इसकी अपराधी की तलाश कर रहे थे। इसमें मुख्य खास के द्वारा सूचना मिली थी, इसमें 2 व्यक्ति जो इसमें इस घटना में सम्मिलित हैं वो परतापुर क्षेत्र में देखे गए हैं। सूचना मिलते ही टीमों को रवाना किया गया था। वहाँ पर पहुँच के टीमों द्वारा जो एरिया था उसको कॉर्डन किया गया है, तथा को पकड़ने का प्रयास किया गया। पकड़ने के दौरान इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हुआ जिसका नाम समर बताया जा रहा है, तथा दूसरा व्यक्ति जिसका नाम अयान है वो गिरफ्तार किया गया है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है तथा इसमें अग्रवृत्ति कार्रवाई की जाएगी। इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन था? इसमें इनके साथ एक लड़का है जो उमर नाम बताया जा रहा है, जिसका इसने पूरी प्लानिंग की थी। इसने इस घर में लूट के इरादे से घुसा था और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। इन्होंने पहले रेकी भी की थी, गलती 2 बार रेकी की गई थी। जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तीसरी बार ही आए और उसके बाद घर में घुस कर इन्होंने जैसे बताया मैंने कि मोना नाम की महिला उसकी हत्या कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।